होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्मार्ट लर्निंग। तो आज मैं थोड़ा सा अलग वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम प्रोटेक्टर को यूज़ कैसे करते हैं। तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ हाउ टू यूज़ अ प्रोट्रैक्टर, या फिर आप कह सकते हैं कि हाउ टू मेजर एंगल्स। तो यहाँ पर आपको एक तीर से दो निशाने मिलेंगे, या आपको ये भी पता चलेगा कि प्रोटेक्टर को हम यूज़ कैसे करते हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि हम एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं। तो चलिए, अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एक बिकॉज इट इज़ फ्री। यस, इट इज़ फ्री, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें प्यारे से इंस्ट्रूमेंट जो चांद, आधा चांद जैसा दिखता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इस आधे चांद को कहते हैं हम प्रोटेक्टर, नाम तो सुना होगा। तो इसी प्रोटेक्टर से हम एंगल्स को मेजर करते हैं, और एंगल्स डिग्रीज में मेजर होते हैं। इसी प्रोटेक्टर से हम जान पाते हैं कि वो एंगल 10 डिग्री का है, 20 का है, 30 का है, 40 का है, 50 का है, 60 का, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 या 180 या उससे भी ज़्यादा का वो एंगल है कि है, उसके एंगल्स को मेजर हम प्रोटेक्टर से ही करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस हमारे प्यारे से चांद के टुकड़े यानी कि प्रोटेक्टर पे यहाँ से भी 0, 10, 20 स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से भी 0, 10, 20 स्टार्ट हो रहा है, हम मेजर कहाँ से करेंगे? तो इसको मैं आगे बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा, हम एग्जांपल से समझेंगे। चलिए अब हम एंगल्स को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रोटेक्टर लेना है, ठीक है। अब आप प्रोटेक्टर से ही एंगल को मेजर करेंगे, पर प्रोटेक्टर से एंगल को मेजर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिसे आप फॉलो किए बिना प्रोटेक्टर से कभी भी एंगल को मेजर नहीं कर सकते। तो आपको उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम उसके रूल्स को जानते हैं। सबसे पहले आपको लेना है प्रोटेक्टर। अब रूल नंबर वन, प्रोटेक्टर का ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको दो लाइन जो बनती है, दो लाइन से जिससे एंगल बनता है, उन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर रखना है, ठीक है। तो इन दो लाइनों से बना है हमारा एंगल, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? Q है। तो आपको इस वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को Q पर रखना है। तो आपने यहाँ Q पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ पे Q पर तो प्लेस कर दिया, ऐसे उड़ाकर मेजर करना चाहते हैं तो ऐसे उड़ाकर मेजर तो होने वाला नहीं है आपका एंगल। रूल नंबर टू ये है कि आपका जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है, इसे हम बेस लाइन कहते हैं, जो ज़ीरो पे यहाँ से आती है, इस वाली लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो बेस लाइन है वो आपकी इन दोनों लाइन, जिस लाइन से आपको मेजर करना है उस पर ओवरलैप होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली जो लाइन है, मेरे को इस लाइन पे ओवरलैप करनी पड़ेगी, तभी हमारा सही मेजरमेंट निकलेगा। मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा, और ये जो मैंने उड़ा रही हूँ, ये उड़ाना नहीं है हमें, इस वाली लाइन को एकदम सही से इसके ऊपर प्लेस करना है। देखिए मैंने प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर हमारे जो सिर्फ दो ही रूल्स थे, और अगर आपने इन दो रूल्स को फॉलो कर एंगल मेजरमेंट करा तो आपका एंगल मेजरमेंट बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर मैंने दोनों रूल्स को फॉलो किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये एंगल कितने डिग्रीज का है। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब आप सोचेंगे ये कब तक पढ़ना है? जब तक एक लाइन से दूसरी लाइन नहीं आ जाती तब तक आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये रही लाइन, ठीक है। तो इतना सा भी डिस्टेंस आपको देखना है। देखिए 50, 51, 52, 53, 54, यानी कि हमारी एंगल पी क्यू आर का मेजर है 54 डिग्री। अब 54 डिग्री को लिखते कैसे हैं?
देखिए एंगल्स के अंदर आपको इन दोनों का मेजर आपने निकाला है, तो हम इसके बीच में हमने इन दोनों का निकाला है, तो इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। और फिर 54 डिग्री, इस तरीके से हम डिग्री को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल पी क्यू आर का 54 डिग्री हमारा मेजरमेंट निकला है। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो चलिए अब हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास एंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, एंगल ए बी सी। यहाँ पे आपको इस एंगल को मेजर करना है, बस वही रूल्स आप अप्लाई करेंगे। क्या ये वाला पॉइंट जो दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होना चाहिए, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हो गया, ठीक है, और ज़ीरो वाली लाइन उस पर ओवरलैप करनी चाहिए जिससे आप शुरू कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ मैंने रख लिया है हमारा रूल्स फॉलो करके, हमारा प्रोटेक्टर हमने एंगल के ऊपर रख लिया है। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हमारा कितने डिग्री का एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये, तो ये हमारा एंगल है 90 डिग्री का। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि आप प्रोटेक्टर यहाँ से ही रीड क्यों करते हैं, यहाँ से क्यों नहीं करते, और अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ से क्यों नहीं करते। तो देखिए, जब भी ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया प्रोटेक्टर हमारा मेजर करने के लिए, लेकिन हमें क्या एंगल के बाहर वाले साइड का मेजर करना है? नहीं ना, एंगल के अंदर वाले साइड का हमें मेजरमेंट निकालना है, ना कि बाहर वाले साइड का। तो या तो हमारा एंगल हमारा ऐसा भी बन सकता है एंगल, या तो ऐसे भी बन सकता है। तो अगर आपको उल्टा बना तो फिर आप यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपका इस तरीके का एंगल बन गया तो फिर आप यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ इस वाले ज़ीरो को ही इस वाली लाइन पे ओवरलैप किया है, ना कि इस वाले ज़ीरो को ओवरलैप किया है, तो जिस ज़ीरो को हम ओवरलैप करते हैं वहीं से हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो चलिए अब हम 2-3 और एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ट्रायंगल के एंगल्स को कैसे मेजर करें। तो यहाँ आ गया हमारा तीसरा एग्जांपल। तो यहाँ पे हमें इस एंगल का मेजर करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि कभी एंगल आपको उल्टे मिलेंगे, कभी एंगल आपको सीधे मिलेंगे, आपको प्रोटेक्टर यूज़ करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टर हम ऐसे यूज़ नहीं करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही था कि ये वाला जो पॉइंट होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर लगना चाहिए, जिस दो लाइन से एंगल बनता है उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर लगाते हैं, तो ये लगाया मैंने इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर और ज़ीरो को लाए किया जी पर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अब हम यहाँ इस ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ना कि इस ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि ये एंगल हमारा 50 डिग्री का एंगल है, और 50 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से कम का एंगल, और इसे हम क्या कहते हैं? वीडियो देखा था मेरा, 90 डिग्री से कम के एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। नहीं देखा तो जल्दी से आई बटन पे क्लिक करके देख लो। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हाजिर है। यहाँ पे मैंने लिया है एंगल एच आई जे। तो यहाँ पे हमें इस एंगल को मेजर करना है, तो चलिए लेते हैं हमारा चांद का टुकड़ा, और अब हम लगाते हैं इस पॉइंट को आई पर, यानी कि हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, और ये ज़ीरो को हमने लाइक किया जे पर, ये बन गया हमारा। अब हम रीडिंग स्टार्ट करें। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 110, 120. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये हमने रीडिंग स्टार्ट करी, पर ये जो लाइन है ये 120 से थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है. ये यहाँ पे है 120 और ये गई यहाँ पे, तो थोड़ी सी ज़्यादा गई. अब आप सोचेंगे भैया हम इसे कैसे काउंट करें, अब आ गया फिक्र में. लेकिन नहीं नहीं कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. ये जो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये वाला जो होता है, ये जो छोटे छोटे हमारे मार्किंग दी रहती हैं, यहीं से तो आप वो इसके थोड़े से थोड़े थोड़े डिफरेंस को भी पहचान सकते हैं. तो चलिए अब हम इन मार्किंग को रीड करते हैं. चलिए जूम हटाओ, हट गया, ठीक है. चलिए मार्किंग को रीड करते हैं. ये 120 है ये वाली बड़ी वाली लाइन, फिर ये 121, 122, 123, 124 और ये 125. यानी कि हमारा ये जो एंगल बन रहा है ये 125 डिग्री का एंगल बन रहा है. बेचारा रेड मार्कर थोड़ा थक चुका है इसलिए वो भी काम नहीं कर सकता. तो चलिए ब्लैक मार्कर से मार्किंग देते हैं हम इसे. तो ये है हमारा 125 डिग्री का एंगल. तो ये हमारा एंगल बना है 125 डिग्री का एंगल, जो कि है 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल और 180 डिग्री से कम का एंगल. तो ये तो आपको पता ही होगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम के एंगल को क्या कहते हैं. आपने मेरे वीडियो में देखा था ना, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. तो ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल है. चलिए अब हम ट्रायंगल को मेजर करना सीखते हैं. यहाँ पर मैंने अपना ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल ABC. तो चलिए अब हम इसे मेजर करते हैं. तो यहाँ ABC हम हर एक एंगल को नाम देते हैं. ये पहला जो एंगल है इसे हम एंगल ए कहेंगे, एंगल ए ओके. दूसरा एंगल को हम एंगल सी या एंगल बी कह सकते हैं, एंगल बी और फिर ये जो हमारा तीसरा है इसे हम एंगल सी कहेंगे, क्योंकि यही मार्किंग दी है मैंने. यहाँ पे PQR देती तो PQR आ जाता है ABC की जगह, ठीक है. तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम बी का निकालते हैं, एंगल बी का मेजरमेंट निकालते हैं, ठीक है. तो वही रूल्स किए हैं मैंने फॉलो. इस पॉइंट को मैंने रखा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर और ज़ीरो को हमने सी के ऊपर ओवरलैप किया है. तो यहाँ पे कौन सा कितना निकल रहा है, यहाँ पे हमारा निकल रहा है 60 डिग्री का एंगल, यानी कि हमारा एंगल बी जो है वो 60 डिग्री का है, ओके. चलिए अब हम एंगल ए को मेजर करते हैं. तो ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल था ये हमारा 60 डिग्री का एंगल था, ठीक है. तो चलिए अब हम एंगल ए को मेजर करते हैं. ये रहा मेरा प्रोटेक्टर और मैंने रखा है इसे एंगल ए पर, ये वाली लाइन, और ये कर रही है ओवरलैप. चलिए अब हम इसका मेजरमेंट देखते हैं कितना निकल रहा है. इसका निकल रहा है हमारा 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारा 60 डिग्री का ही एंगल है, 60 डिग्री, ओके. यहाँ पर भी लिख लेते हैं हमारा एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है. चलिए अब हम एंगल सी को मेजर करते हैं. यहाँ पर मैंने रखा इसे यहाँ इस तरीके से मैंने किया ओवरलैप, वही रूल्स फॉलो करके, ठीक है. आपको याद हो गए होंगे वो रूल्स. चलिए अब हम इसे देखते हैं, ये कहाँ जा रही है लाइन 60 पर, यानी कि ये वाला जो हमारा एंगल है ये भी 60 डिग्री का ही एंगल है, ओके. 60 डिग्री का एंगल है. तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल को मेजर कर लिया. एक और बात, जब आप अगर आपको चेक करना है कि हमने ट्रायंगल को ट्रायंगल के एंगल को सही से मेजर किया है या नहीं, तो आपने तीनों साइड के एंगल निकाल लेने हैं और फिर उसे कर लेना है आपको ऐड. ऐड करने पे अगर 180 डिग्री आंसर आ रहा है तो फिर आपने अपना सही मेजरमेंट किया है. लेकिन अगर 180 डिग्री आंसर नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से चेक करिए, शायद आपने कहीं गलत कर दिया है. तो यहाँ अगर मैं 60 को अगर प्लस करूँ तीनों 60 डिग्री को, तो मेरा आंसर 180 आ रहा है, क्योंकि 63 180. तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है. तो मतलब मैंने ये सही मेजर किया है.
चलिए तो ये था हमारा लास्ट एग्जांपल। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ कर ही दीजिएगा ताकि उनकी भी एंगल मेजर करने में हेल्प हो जाए। आप करेंगे ना हेल्प उनकी शेयर करके, तो करिए जल्दी शेयर। और फिर चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी करिए और मेरे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। तो चलिए, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।